लोग पूरा कर लिया। भाई तुझे पता है आज मैम आएगी ना मुझे वेरी गुड देगी, एक्सीलेंट देगी ना, क्योंकि मैंने सारे पेस्ट ना सारे काम बहुत अच्छे से पूरे किए हैं। और शाम को ना मेरे पापा मुझे मेला दिखाने लेके जाएंगे। मेला? हाँ, तुझे मेरे पापा लेके ही नहीं जाएंगे। क्यों? मैं उनसे बोल दूंगा इसलिए। मैं तो जाऊंगा। अरे तू अपने घर वालों के साथ जा सकता है, बट मेरे पापा तुझे गंभीर लग रहे हैं। दिवाली आने में तो एक हफ्ता बाकी है, बच्चा अभी से छुट्टी पे। मैम हर कोई हमारी जैसा सिंसियर थोड़ी ना हो सकता। यस मैम, अतुल बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोग कितने सिंसियर हो वो तो मैं अभी देख ही लूंगी। अपने होमवर्क दिखाओ। अतुल पहले तुम। दीपावली की छुट्टी कब पड़ रही है? तुम्हें पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस मैम छुट दिया कब से, सारे के सारे आंसर्स तुमने गलत लिख रखे हैं। एक मिनट। मैम एक एग्जांपल दूं, मैम वो जैसे लव लेटर होता है ना, मैम उसी तरह ना मैं इसको भी दिल से करता हूँ, बट मैम वो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है ना। मैम आप देखो ना, मैं कितना क्यूट सा छोटा सा बच्चा हूँ ना। मैम थोड़ी बकवास बंद करो, सीट पे बैठो जाके। अजय यस मैम। वैसे तुम दो दिन से कोचिंग नहीं आ रहे? मैम मुझे हो गया थोड़ा। ठीक हो? यस मैम। ये दो दिन पहले का है? हाँ मैम, मैंने पूरा उम्र किया होगा, पर पता नहीं सारे क्वेश्चंस के आंसर सही हैं। ये तो गलत है। यस मैम। रिया, बेटा रिया। यस मैम। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? यस मैम, कुछ नहीं, बस ऐसे। अच्छा, आज तुम्हारी फ्रेंड पूजा नहीं आई है इसलिए तुम साइड बैठी हो ना? नहीं मैम, सुबह से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी तुम क्लास ले लो, आज मैं तुम्हारी जल्दी छुट्टी कर दूंगी। ठीक है, होमवर्क दिखा दो। ठीक है मैडम, मैं आता हूँ। ठीक।
बोला और तुमने वो पैकेट वॉशिंग कर दिया। यस मैम। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही। तुम चलो मेरे साथ क्लास में, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। नहीं मैम, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ पे बॉयज़ भी होंगे, समीना को भी पीरियड्स हुए थे, सब उसे चिढ़ा रहे थे स्कूल में, मैं नहीं जाऊँगी मैम। रिया मैम कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो। हाँ यार अतुल, ये लड़के कितनी कमजोर होती है ना। अरे यार अब कोई लड़की हम जैसे ताकतवर थोड़ी ना हो सकती है। तुम दोनों बिल्कुल चुप। रिया बच्चों, आज मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूंगी जो कि है पीरियड्स, यानी कि मासिक। मैम ये पीरियड्स क्या होते हैं? उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि हम बड़े कैसे होते हैं। हमारे दिमाग के निचले हिस्से में ग्रंथि होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारे शरीर में हार्मोन्स बनाते हैं जो हमें बड़ा करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं, जैसे हाइट बढ़ना, फेस पे पिंपल आना जो हमें एडल्ट बनाते हैं। ये नॉर्मल केस में 8 से 13 साल की उम्र में हो जाता है। लेकिन मैम पीरियड्स में ब्लड क्यों आते हैं? हम फीमेल बॉडी के पेट के निचले हिस्से में यूट्रस होता है जिसमें उसके दोनों साइड्स में दो ओवरीज होती है जो आगे चल के यूट्रस में बेबी होता है। हर महीने के 28 से 32 डेज के बीच में एक एग जर्नी करके यूट्रस में आता है जो जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए टिश्यूज की लेयर्स होती है। जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये टिश्यू को चीरते हुए बाहर आता है जो ब्लड के थ्रू आता है जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। नॉर्मल तौर पे 2 से 3 दिन या किसी किसी को 1 हफ्ते तक, और ये डिपेंड करता है हार्मोन्स और डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स पे। तो मैम क्या मैं माँ बन जाऊंगी? नहीं रिया, सिर्फ तुम माँ नहीं बनोगी। बता पीरियड्स आने का मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी अब माँ बनने के लिए तैयार है और तुम्हारी बॉडी डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है। पर मैम मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पीरियड्स में दर्द होना, पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़े आना, जी मचना बहुत आम है। ये इसलिए होता है कि जब एग को यूटरस बाहर फेंकता है तो अपने आप को पुश करता है जिस वजह से पेन होता है। हम नॉर्मल टाइम पे या तो हम हीट बैग्स ले सकते हैं या फिर गर्म बॉटल को कपड़े में लपेट के पेट में रख सकते हैं जिससे पेन में रिलीफ होता है। खासकर पीरियड्स के टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा हाइजीन होना पड़ता है, नहीं तो इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है। इंडिया में आज भी बहुत सी औरतें हैं जो सूखी घास या राख या कपड़े यूज़ करती हैं जिससे ओवरी कैंसर होने का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमेशा ही सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं जिसे यूज़ करना बहुत ही ईजी है और इसे हर 6 से 8 घंटे में चेंज करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, हर चेंज के बाद हाथ बहुत अच्छे से धोना चाहिए। बच्चों तुम लोगों को जो मिस्टेक्स बताई थी वो ठीक करो, ठीक है? सर मैंने आपको इसलिए बुलाया था, एक्चुअली रियल के फर्स्ट टाइम पीरियड्स में तो वो थोड़ी डर गई है। लेकिन मैम मेरी बेटी ठीक है ना? हाँ हाँ आप घबराइए मत, एक्चुअली फर्स्ट टाइम है ना तो थोड़ी डर गई है। आपने बताया था कि रिया की मम्मी नहीं है, इस टाइम पे आपको ही उसे संभालना होगा, वो भी छोटी बच्ची उसे इन सब के बारे में नॉलेज है और आप ही उसे सबसे ज़्यादा क्लोज है तो आप ही उसे बात करिए इस बारे में। मैडम मैं कैसे बात कर सकता हूँ, मुझे बहुत अजीब लगेगा सब। क्यों अजीब लगेगा, इसमें गलत क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। अजीब सोच है ना कि ये सारी बातें मेल से डिस्कस नहीं करते हैं, इन सबको छुपा के रखते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, पेड़ पौधों को नहीं छूते, छोटे बच्चों को हाथ नहीं लगाते, इसी के ऐसी सोच है ना। पर सर ये सब पहले की बात थी, अब की बात बहुत अलग है। आप तो इतना वेल एजुकेटेड हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, सोचिए रिया का क्या होगा, उसकी तो मम्मी भी नहीं है। माफ कीजिए मैडम, लेकिन मैं अपनी बेटी को सब नहीं बता सकता। हमारे समाज में अपने बच्चों को इस तरह की बातें बताना शोभा नहीं देता, आप समझने की कोशिश कीजिए।
माफ कीजिए सर, पर आपकी ये सोच बहुत गलत है। मुझे लगा नहीं था कि आप ऐसे सोच सकते। वैसे आप जानते हैं ना प्लेट्स ना आने के क्या नुकसान है। अगर कोई औरत माँ नहीं बनेगी तो इस देश का विकास कैसे होगा? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब एक औरत माँ बनती है तो सब खुश होते हैं, खुशी से उस बारे में बात करते हैं, और जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है उसे कितना दर्द होता है ये बात सब जानते हैं। लोग भूल क्यों जाते हैं? ये सब जानते हुए अनजान क्यों बनते हैं कि जब एक लड़की प्रेयर्स में होती है तो उसे कितना दर्द होता है? सब उस टाइम क्यों नहीं देख पाते? और ये क्यों भूल जाते कि वो किस समय से गुजर रही होती है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है, वो अपना दर्द किसी को नहीं बता पाती, आखिर बताएगी भी कैसे? ये सवाल नहीं था कानून जो बना रखे। जब माँ बनने वाली बात शेयर की जाती है, पेरेंट्स वाली बात को हाइड क्यों किया जाता है? आखिर वो भी तो माँ बनने का एक हिस्सा है। अगर पेरेंट्स ही नहीं होंगे तो कोई औरत माँ नहीं बन सकती, ये बात सब जानते हैं, तो फिर ऐसे सोच क्यों? और ये सोच सिर्फ गांव वालों की नहीं है, जो शहर में रहते हैं वो भी यही सोचते हैं। शहर में रहकर कपड़े बदल लेने से सोच नहीं बदलती। सॉरी सर, शायद मैंने कुछ ज्यादा बोला। दिया आपकी बेटी, अब आप ही फैसला ले सकते हैं कि आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं। हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं हमारे समाज में कैसी कैसी परंपराएं बनी हुई है कि इन सब चीजों को गलत समझा जाता है। और आपने ठीक ही कहा कि रिया को संभालने के लिए मेरे अलावा कोई भी नहीं। लेकिन मैम एक बात समझनी है, जब पीरियड्स आने वाले हो तो पता कैसे चलेगा? पीरियड्स आने के कुछ टाइम पहले से शरीर में दर्द होना, खासकर पेट में और थाइस में। तो जब पेन ज्यादा हो तो मैं अपनी बेटी का ख्याल किस तरह रखूंगा? इस टाइम पे पौष्टिक आहार, ताजा फल और खासकर हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। जी मचलना, चक्कर आना बहुत आम बात है। धन्यवाद मैम, आपने मुझे इतनी अच्छी चीजें बताई। शायद आज आप मुझे ना बुलाते तो अपनी बेटी का दर्द नहीं समझ पाता। हम लोग कितने गलत समझते थे इस बात को, लेकिन आज आपने मुझे सही दिशा दी। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपने मेरी बात सुनी। आप रुकिए, मैं लिया आपको। बच्चों, जो मैंने आज आपको पेट्स के बारे में बताया, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको समझ आ गया, और खासकर लड़कों कि अब कोई भी लड़कियों का कभी मजाक नहीं उड़ाए। यस मैम, सॉरी रिया। You can feel her innocence in the form of a daughter. You can feel her care in the form of a sister. You can feel her warmth in the form of a friend. You can feel her passion in the form of a beloved. You can feel her dedication in the form of a wife. You can feel her divinity in the form of a mother. You can feel her blessings in the form of a grandmother.
Yet, she is so tough. Her heart is so tender, so naughty, so charming, so sharing, so melodious. She is a woman and she is alive. Hope you will not forget how special you are.